জানো ইন আমে লোট কমো চারানের উমাজাম এমাম রেজা চাপ তো জার দে জেল কোনাম বিসমিল্লাহ রহমান রহিম। हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में सहने पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाखिल हुए हैं। इस वक्त सहने गदीर में हैं और इस सहन की ख़ास बात यह है कि ये इमाम अली अलैहिस्सलाम की उस मौलाइयत के ऐलान से मंसूब है और इसी खातिर है कि इस सहन में चारों तरफ जो काशिकारी है उसकी ख़ास बात है कि यहाँ खुतबे गदीर लिखा हुआ है और खुतबे गदीर आपको मन कुंतो मौला फहज़ाकुम मौला वो भी यहाँ पर नज़र आएगा। फिर हुज़ूर मुकर्रम ने फरमाया कि अली मेरे भाई हैं, मेरे वसी हैं और अली की मुवालात और मोहब्बत अल्लाह सुबहानहू तआला की जानिब से वाजिब है। ये पूरा खुतबे गदीर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सहन के अतराफ़ में लिखा हुआ है। बड़ा खूबसूरत महसूस होता है। सहन की दूसरी ख़ास बात, यहाँ हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का मेहमान खाना है, जहाँ पर मेहमान सराय हरम अली इब्न मुसा रज़ा अलैहिस्सलाम जिसे कहते हैं, जहाँ मोमिनीन को हज़ारों की तादाद में रोज़ाना लोगों को दोपहर का खाना भी खिलाया जाता है, लंच भी और डिनर भी। दरहकीकत तो ये न्याज है, इससे बढ़कर बेहतरीन न्याज क्या होगी कि आप हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मेहमान बने। इस वक्त हम बिल्कुल उस न्याज से इस्तेफादा करते हुए फिर आपकी खिदमत में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप सबके लिए दुआएँ बहुत सारी। और जब हम मौला का न्याज खा रहे थे तो एक एक प्लेट पर लिखा हुआ है मेहमान सराय हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, यानी एक एक प्लेट पर हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मोहर लगी हुई है। बहुत खूबसूरत लगता है और दिल भर आया और एक रिक्कत भी तारी हुई कि मौला ने हम जैसे गुनाहगारों को ये तौफीक अता की कि उनके मेहमान बने और उनके दस्तरखान पर आकर, जन्नत में तो उन्हीं के दस्तरखान पर खाना है, दुनिया में भी जो सब कुछ है वो उन्हीं का दिया हुआ है, लेकिन बाकायदा हरम के दस्तरखान पर आकर खाएँ। इस सहन की ख़ास बात, जन्नतुल बकी का एक ख़ास मॉडल है जो यहाँ बना हुआ है और जन्नतुल बकी के इस मॉडल में पहले जैसे था जन्नतुल बकी वो भी है, जहाँ पर आइम्मा अलैहिस्सलाम की कबूर है, इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की वालदा बीबी फातिमा बिनत असद सलामुल्लाह अलैहा। ये कम लोग जानते हैं कि मौला अली की वालदा भी जन्नतुल बकी में दफन है और मौला अब्बास की वालदा भी जन्नतुल बकी में दफन है। अब अली की वालदा भी और शबीर अली अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम उनकी वालदा यानी बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा वो भी जन्नतुल बकी में मदफून है। हुजूर की पुपियाँ हज़रत सफ़िया और हज़रत आतिका, ख़ुद मौला अली के दो भाई हज़रत अकील और हज़रत तालिब वो भी यहाँ पर मदफून है। दूसरा शहदाए अहद जो कि वो शहदाए अहद के जो ज़ख्मी हुए थे और बाद में आकर शहीद हुए मदीना। जन्नतुल बकिया जन्नतुल बकिया ए जन्नतुल बकिया जिंदगी है तुझसे ए जन्नतुल बकिया खुशी है तुझसे ए जन्नतुल बकिया जिंदगी है तुझसे ए जन्नतुल बकिया खुशी है तुझसे ए जन्नतुल बकिया धारिस बड़ी है तुझसे ए जन्नतुल बकिया जिंदगी है तुझसे ए जन्नतुल बकिया जिंदगी है तुझसे ए जन्नतुल बकिया हम तेरे हस्ब मंशा तामीर कर न पाए तू हदम हो गई जब हम तब भी बेखबर थे हम तेरे हस्ब मंशा तामीर कर न पाए तू हदम हो गई जब हम तब भी बेखबर थे शर्मिंदगी है तुझसे ऐ जन्नतुल बकिया जिंदगी है तुझसे ऐ जन्नतुल बकिया जिंदगी है तुझसे ऐ जन्नतुल बकिया
ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم پانچ ہیں اور بنت اسد یہیں پر، ہے وجہ خلق عالم مدفون اس زمین پر، معصوم پانچ ہیں اور بنت اسد یہیں پر، یہ زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ، زندگی ہے تجھ سے اے جنت البقیہ۔